अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े लाइक हमने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट को समझा हमने थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस को समझा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ इस टॉपिक में इन दोनों टॉपिक्स का यूज करा जाएगा लाइक अगर हम ओम्स लॉ की बात करें ये ओम्स लॉ एक्चुअली में है क्या तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप होती है रिलेशनशिप मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं दैट अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें प्रेशर कांस्टेंट रखें मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज ना करें और उस केस में किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लोइंग को देखें तो करंट फ्लोइंग उतनी ही होगी जितना की पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा होगा विच मीन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक बात कही जाती है कि फिजिकल कंडीशन अगर कॉन्स्टेंट रखी जाए लाइक टेम्परेचर प्रेशर एटसेट्रा तो जो करंट किसी एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के उस कंडक्टर के अक्रॉस यानी कि उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं लाइक आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी कैन से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है और वो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा नेक्स्ट अगर हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हमें यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा दैट इज इस केस में वो है आर आर यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस के बारे में हम और डीपली और अच्छे से नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स में समझेंगे सो so, हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम एक रेशियो देखें दैट इज वी अपॉन आई का वो इक्वल होगा आर के और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो किसी भी चीज का रेजिस्टेंस दैट इज किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके नेचर उसके लेंथ उसके एरिया उस कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है उस कंडक्टर का नेचर क्या है मतलब वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना है नेक्स्ट उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है एंड नेक्स्ट उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है एंड हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि v अपॉन i का रेशियो r के इक्वल होगा और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट का रेशियो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को और आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को एक और चीज हम यहां लिख सकते हैं दैट आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर सो इस फॉर्मूले से हम एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं करंट और रेजिस्टेंस के बीच में इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस क्योंकि अगर हम इस रेजिस्टेंस वर्ड को देखें तो रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है रोकना और किसी भी कंडक्टर में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा विच मीन्स आप रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए करंट फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा सो इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड एट लास्ट ओम्स लॉ हमें एक्सप्लेन करता है रिलेशन रिलेशन किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का और ये हमें बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं बट द थिंग इज दैट टेम्परेचर प्रेशर या फिर हम कहें फिजिकल कंडीशंस कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए